सरदार जगमूर सिंह काकी जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार जगमूर सिंह काकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार जगमूर सिंह काकी जिंदाबाद जिंदाबाद, जगमूर सिंह काकी जिंदाबाद जिंदाबाद, जगमूर सिंह काकी जिंदाबाद जिंदाबाद। माइक बंद करवाओ जी, माइक बंद करवा दो। यानी यानी कितने यादविंदर सिंह बंदी कांगे, यादविंदर सिंह बंदी कांगे, यादविंदर सिंह बंदी कांगे, सरदार जगमोहन सिंह कांगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएम चन्नी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सब करिए जी। कानून साहब अगे बढ़ो, असी थोड़े नाल है। कानून साहब अगे बढ़ो, असी थोड़े नाल है। मैं हाई कमांड में बेनती करनी चाहूंगा, अजे ठाठा मारदा कठ जेड़ा आपां देख रहे हैं ये सरदार जगमोहन सिंह कांग्रेस दा प्यार दिख रहा है। मैं राहुल गांधी जी नूं सोनिया गांधी नूं बेनती करनी चाहूंगा कि तुसीं दिल्ली विच बैठ के इहो जिहे खराब फैसले ना लो, साडी पार्टी नूं ढाह लग रही है। अज जो सरदार जगमोहन सिंह ने काम करे हैं अज साडा पिछे तुसीं मीडिया नूं बेनती करूंगा पिछे निगाह मार के देखो, निगाह मार के देखो। 2 मिनट जी इधर। हां जी रमन जी कराओ स्टार्ट। 1 मिनट भाई, 1 मिनट होया है। हाई कोर्ट की टिकट कटी गई है, इसको पहला भी कई कांग्रेसियों की टिकट कटी गई है। देखो मेनू नहीं पता आवाज 1 मिनट आवाज नहीं बोल रहे थोड़ा ऊंची। देखो मैनू इस गल का नहीं पता भी बाकी पंजाब च की होया, सुनने च आया कि काफ़ी टिकट मेरिट से नहीं मिलिया, पर जिथों तक सवाल है खड़ हल्के का मैनू माण है अपनी कांग्रेस हाई कमांड से श्रीमती सोनिया गांधी जी समेत सारी सेंट्रल इलैक्शन कमेटी मेरे नाल सी, उन्हें मेरी वकालत की है परसों मीटिंग के विच कि कांग्रेस साढ़ा वफादार पुराना आदमी लीडर वर्कर लीडर है, टिकट मिलनी चाहिए है। और सरदार सिंह चन्नी जिन्हें मखौटा पाया शराफत का ईमानदारी का, उन्हें साजिश करके पहला गुमराह किया हाईकमांड को कि कांग्रेस ने इलैक्शन जितनी नहीं इतों, फिर उन्हें कहा जो देखा भी नहीं गल बनती सर्वे हो गया कांग्रेस इलैक्शन जित रहे हैं, फिर ये हिंदू सीट है। हिंदू को नाम पेश किया ताराचंद गुप्ता जी का, नटराजन कौशल जी का, तीजा हिंदू भाई जाके वार्ड का शराब का वाडा ठेकेदार टिंकू शर्मा गुरिंदर तो गुरिंदर इलाका मेरा पहला रहा है। चन्नी गाला छाला मारता फिर गए, उन्होंने पता कि उसे कांग्रेस पैदा मैं की है। बड़ा वाला सौदा होया, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, हाईकमांड समझती है। सवेर तो अज मेरे घर तां लगे पैना भरावां शुभ जिंदगा का मैं सबनों नमस्कार करदा, इलाका वासियां नूं धन्नवाद करदा कि जो मेरे श्रद्धा प्यार दिखाया है। और इहदे नाल मैं कहना चाहना कि जो धक्का इत्थे होया अज साडी सारे हाजरीन करीब ने फैसला करना है कि दास ने किधर नूं जाना की करना। कल रात फैसला होया, बेशुमार फोन आए सारिया पार्टियां दे विरोधी पार्टियां दे। राघव चड्डा जी मेरे घर आके हुणे गए हैं, उत्थे प्रेस आके मैनूं घेर लिया तां ही मैं लेट हो गया, माफी चाहुंदा। पर मैं मेरे पल्ले कुछ नहीं है ना मेरी सोच है, मैं गल क्या करदा इलाका मेरे नाल है, संगत मेरे नाल है तो मैं हीरो हीरो, जो संगत नाल नहीं तो मैं जीरो बिग जीरो। इस करके अज असीं इकट्ठे होए हैं। मेरे कोठी बड़ा भारी कट सी, मैं कहा लोगों को आने की सुविधा रहेगी, इत्थे इकट्ठे होए हैं। इलाके सारे खड़ दे खड़ ब्लॉक तो माजरी ब्लॉक तो नवागांव काउंसल तो साढ़े सारे भैन भरा सरपंच पंच आए ने, जनता पर आए ने। मैनूं विश्वास है मैं थोड़े नाल है, मैं आभारी हाँ। और जो मेरे साथी फैसला करनगे अगे कदम चुकना मैं कहना चाहना कि मैं अजे किसी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा, ना मैं फैसला कर सकता। फैसला करना मेरी ये फौज ने, मेरे शुभ चिंतकों ने, इलाका निवासियों ने कि 30 साल में घालना की है। सेवा की है तो सब निभाई है। मेरे तो पहला मरंडा इलाका कटड़ अकाली सी सर रविंद्र सिंह साहब स्पीकर साहब सिरमौर आगू सी इतने आके मैं जितया भी हारिया भी कांग्रेस पैदा मैं की है। जे मैं गल कहा गलत नहीं होएगी। गुरु प्यारी साहब संगरी प्यारे पत्रकार साथियों इतने जगमोहन सिंह कांग की वोट ज्यादा है कांग्रेस की घट है। देखो राघव किड्डा कले नहीं मिले वो गलबात मैं बाहर नहीं दस सकता क्योंकि वो फैसला लोगों ने संगत ने लेना। मैं तो कुछ करना ही है कोई संदेश लेके तो राघव चड्डा जरूर आए हमने आम आदमी पार्टी ने लेकर चाहे आके विड्रो कर सकती है गगन गोलमाल को आम आदमी पार्टी जगमोहन सिंह कांग आम आदमी पार्टी तो उम्मीदवार हो सकते सारे पास चर्चा है चल रही है। देखो मेरे मूड गल ना पाओ विरोध करे कोई ना करे मेरा कोई असर नहीं है ना अपना मसला है। नहीं तो अपनी फौज बैठी है इतने फौज करीम बैठी है सारा खड़ ब्लॉक है माजी ब्लॉक है तीनों चार बैठे उन्होंने फैसला कर वो अपना फैसला। मैं तो भाजपा वाले भी कह रहे होर पार्टियों वाले भी कह रहे झाड़ू वाले भी कह रहे सलाह करने आ रहे मैं उन्होंने कोई गल जवाब नहीं दिता। मेरा जो खड़ा अच्छा भी फैसला होएगा वो फैसला। कांग्रेस लीडरशिप में कोई गल हुई है कि टिकट बदल दो मैनू टिकट दो कुछ इदा दी। देखो कांग्रेस लीडरशिप के मैनू एक दो फोन आए सुने आए लेकिन मैं अजे किसी ने गलबात नहीं की। जो पता है कि कांग्रेस धक्का होया और धक्का होया चन्नी चन्नी जिहड़ा वड्डा चोर है रेता चोर जिन्हें बेच बेच के प्लाट कमेटी पिंड पवा खर्च नोट कमाए लाए हैं। तीन पार्टियां बदली हैं कदे पीपीपी कदे अकाली दल कदे कांग्रेस पार्टी आजाद जितया वो पैथले बटेरा आ गया मुख्यमंत्री बन गया। पर लिखे लिखे बाणी लिखा अहंकार आजाद लड़ोगे या किसी पार्टी वालों लड़ोगे या इलेक्शन लड़ोगे पहले तो ये क्लियर कर दो। मैं बेनती कर रहा बार बार दस रहा कि जो मेरी फौज सेवा करेगी वो करांगा। पर मैं जो बोल रहे हैं गुस्से गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा जबी बाण लागे तभी रोष जागे जबी बाण लागे तभी रोष जागे। तो मेरे साथी आज बड़े गुस्से में भरे हुए हैं नारे ला रहे हैं साडी कांग्रेस हाई कोर्ट के खिलाफ मुख्यमंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री कहने के काबिल नहीं है। चंडीगढ़ के खास तौर पर स्वाद के बोलती थी और जो महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस रेस के नाम से तो की होया कि एडे वड्डे लीडर को डीग्रेड करके एक नवे व्यक्ति लियांदी इसके पिछे कोई साजिश ही करने का या इसके पिछे कोई वड्डे लैण देन कोई पैसे का लैण देन हो जुड़िया सवाल है। सर तुसीं सर्वे की गल की कि सर्वे कराया गया कि सर्वे के मैं जिद्दा नजर आ रहा है इसलिए टिकट कट्टी गई है क्या मतलब इसी के नाल सवाल है क्या सर्वे के बाद गल की हाई कमांड के नाल हाई कमांड को सब कुछ दसिया गया चिट्ठियां लिखिया नोटिस लिया गया आखिरी दम तक मैनू हाई कमांड की पूरी 100% सपोर्ट थी। पर चरणजीत चन्नी जो साजिश खोर है बड़ा माहर है साजिश करने उन्हें ऐसी सट मारी है हाई कमांड जी मीटिंग नहीं पहुंचा बाद दो बंदे बिठा के फैसला करा के सही करा के आ गए। कांग साहब तुसी सस्पेंस क्यों रख रहे हो क्योंकि इन्ना हजूमे ते इकट्ठा हो रखा थोड़ी सपोर्ट वास्ते तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है लेकिन हले भी तुसी सस्पेंस रखा हुआ है भी ना तुसी ये दस रहे हो तुसी चोन लड़ोगे ना तुसी ये दस रहे हो कोई पार्टी दे विच ज्वाइन करोगे तुसी ये क्यों तुसी क्लीयर दसो भी हुण अगे दी रणनीति तुहाडी की रहण वाली है। भाई साहब मेरा जवाब सुनो तुसी कल राती 12 बजे लिस्ट अनाउंस हुई है अजे 24 घंटे होए नहीं असीं अपनी संगतां नूं पुछ लीए उहनां नाल सलाह कर लीए उहनां दे आशीर्वाद नाल ही अगे फैसला लेना है। कांग साहब बार बार गल दोहरा चुके हैं जवाब नहीं साडे सवाल दा मिलिया जो असीं सवाल पूछा सी कि एक वड्डे लीडर दी जो टिकट कट्टी गई है कोई साजिश कोई पैसे दा लेन देन होया लगातार करनी चन्नी नूं कह रहे इहदे विच जी मैं कांग साहब दी गल ऐड करनी चाहना है भी कई तरह दी साजिशां सीगियां। मैं अज खुल के कहना चाहूँगा भी चरणजीत सिंह चन्नी चाहे इलैक्शन लड़दे हैं चमकौर साहब तो पर उन्हां दा जिहड़ी है ना कह लो भी जान फसी हुई है खरड़ च भू माफिया ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਚੰਨੀ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਏ वीडियो क्लिपिंग दिखाए किवें चन्नी दे बंदे सरपंच उत्थे शरेआम इलीगल माइनिंग करा रहे हैं। उस तो अलावा भू माफिया चन्नी बनिया ही इथों खरड़ तो इहदा दिमाग दी लेथी फसिया रहिंदा। कल दी भूतनी सिविया च अद 3 महीने पहला मुख मंत्री बनिया, ये चाहता भी मैं चमकौर साहब भी काबज रहा, मैं खरड़ भी काबज रहा, अपना जमीना दा रेत माफिया सारा काम चलांदा रहा भी इत्थे भी मेरे हाथ दा बंदा होना चाहिए जिहड़ा इलेक्शन लड़े। अज तुहाडी टिकट कट्टी गई है, तुसीं उहनां दे खिलाफ बोल रहे हो, अगर तुहानू पता था कि भू माफिया रेत माफिया पहला क्यों नहीं बोले जदों कांग्रेस दे विच सी? जदों असीं कांग्रेस दे विच सी असीं पार्टी दे अनुशासन नाल बन्ने होए सीगे। 47 साल हो गए सरदार जगमूर सिंह काकी नूं पार्टी दे अनुशासन च चलदे होए। अज पार्टी ने सानू पिठ दिखाई है, असीं पार्टी नाल गद्दारी नहीं करी। निजी तौर पर की चाहते हो बैंक साहब? गुस्सा बहुत टिकट कमी गई है, निजी कुछ विचार भी तो होने की आजाद मैं इलेक्शन लड़ना चाहता इस तरीके का। देखो निजी मेरी गल सुन लो, मेरे जिन्नी संगत सैकड़े बंदे कोठी चंडीगढ़ आए भरे माना आए, कई बेचारे हिंदू बहा रहे थे। साढ़े वर्कर लीडर बड़ा भारी धक्का होया, उन्होंने भावना की मैं कदर करदा। पर मैं बार-बार कहना चाहना हाई कमांड से मैं कोई गुस्सा नहीं है कि उन्हें मेरे साथ नहीं दिता, पर वाकई उसी भी कहोगे आम लोग मनते फिर टिकट क्यों कटी गई। इसका जवाब मेरे को भी है नहीं। इसका जवाब यही है कि टिंकू शर्मा विजय कुमार टिंकू शर्मा शराब का बहुत बड़ा ठेकेदार मुरंडे तो मुरंडे इलेक्शन लड़े हैं। मैं परिवार को जानता, उसके भरा मारता सी अतवादी बहुत देर पहला शराब की खहबाजी ने आपस में अतवादियों ने मारता। चन्नी का फनांसर है टिंकू शर्मा, शराब का फनांसर है, सब पार्टी फंड दिता अकालियां होर पार्टियों उन्होंने लिया ताकि मैं इतने रल मिल के जो मेरे खान चलती है हिस्सापति चलती है शर्मे न उन्होंने बधावे। थोड़ा पहला टिकट दी है साढ़े पंजाब के इंचार्ज है इतने वो टिकट नहीं रले हुए हैं, सब सल्ट हुई है, सब गल सामने आ जाएगी। अकाली दल के खरड़ दे विच 8 उम्मीदवार जीते सी नगर कौंसल दे, पर सरकार जिहड़ी है वो बना गए ने जदों कि कांग्रेस दे ज्यादा जीते सी, जिस कारण भी हाई कमान ने नगर कौंसल खरड़ और इहदा जवाब मैं देना। सब तो पहला तां चरणजीत सिंह चन्नी नूं जाके सवाल पुछो, ओहदा भतीजा जिहनूं कंग साहब ने कांग्रेस की टिकट दित्ती ओहने क्रॉस वोटिंग क्यों की? साडे कांग्रेस के उम्मीदवार उन्हें वोट नहीं पाई। साडे एमसी साहबान ने लिख के ऑन रिकॉर्ड उसकी शिकायत करी है पार्टी के प्रधान। हर जगह अनुशासन चरणजीत सिंह चन्नी ने उहदे भतीजे ने उहदे परिवार ने किया। ये एडा वड्डा लीडर है चरणजीत सिंह चन्नी, उहदा भरा एमसी दी इलैक्शन क्यों हार गया? अज नया गांव तो संगतां दे फोन मैनूं आ रहे हैं कि जी ये उम्मीदवार है कौन जिन्होंने टिकट दी है, असीं कदी शकल नहीं देखी, ये बंदा है कौन असीं जाणदे नहीं। एक पासे यह जिहा लीडर जिहड़ा 30 साल तो दिन रात इलाके की सेवा कर रहा है, इलाका चमकाता, और दूसरे पासे जिहड़े लोग फोन करके पूछ रहे हैं जी ये बंदा है कौन? पर चर्चा जोरा पवे दो नगर कौंसलर खोण तो बाद टिकट कट्टी गई है, क्या मानते हो वाकई जिहड़ी टिकट अगर दो नगर कौंसलां तुहाडे हथ में आउंदियां तो शायद तुहानूं टिकट मिलदी जी? देखो ये सारी गल्लां कुछ हद तक हुंदियां। नगर कौंसल आ देखो साडे नगर कौंसल के प्रधान बैठे हैं रणजीत सिंह जीती पटियाला, असीं कुराली दी नगर कौंसल जिते हैं, खरड़ साडी बनन जा रही सीगी, खरड़ साडी बनन जा रही सी म्युनिसिपल कमेटी। चरणजीत चन्नी दे भतीजे ने क्रॉस वोटिंग करी है। कांग साहब एक गल जिहड़ी है चर्चा दे विच हैगी है कि कांग साहब दे नाल जिहड़ी नेड़ता सी नवजोत सिंह सिद्धू दी सी ते जिहड़ी चन्नी दी नेड़ता टिंकू दे नाल सी, इस करके इत्थे चन्नी दी होई चली है नवजोत सिंह सिद्धू दी नहीं चली। थोड़ा की कहना है? देखो नवजोत सिंह सिद्धू सोनिया गांधी राहुल गांधी ने प्रधान बनाया कांग्रेस का, बड़ा सत्कार प्रधान है, वो हर जगह चली है, उन्हें पूरा हिस्सा पाया और मेरी भी उन्हें इमदाद की है नवजोत सिंह सिद्धू ने, जाखड़ साहब ने, जाखड़ ने अमृता सोनी ने, घोषणा कदवाई ने, गोकुल वासनिक जी ने, सब ने मेरी इमदाद की है। पवन बंसल साढ़े इस करके मेरे सामने गल की है। और जी गल कमेटी बार-बार गल सुन लो ध्यान, आंकड़े देखो कमेटी के, साड़ी वोट परसेंटेज वधी है खरड़ के। चन्नी 2 बंदे रात का साढ़े करोड़ रुपया देके मुकरा के चन्नी की कदूतना होया, वो हटदा नहीं, साजिश खोर है। भतीजे ने क्रॉस वोटिंग करी है, भतीजे ने दूजे पासे वोट पाई है, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਭਰਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, थोड़ी शान के खिलाफ है। नहीं कहता मैं भरा इलेक्शन खड़ा हार गया, गली बाती मैं बड़ी कतूती बड़ी जानी। असी अपनी संगतां दे रूबरू हो लीए जी, उन्हां नाल असी गल कर लीए। ठंड का समय सबने उठ जाना है। हाँ कल तक लवां सारे इन्हां दी सलाह कर। हाँ इस समय तुसी देख सकते हो कंग साहब नाल जो प्रेस वार्ता चल रही सी। उस तो बाद हुण देखण वाली गल होवेगी कि की फैसला लिया जाता है मीटिंग तो बाद। इस समय साडे नाल समाज सेवी और जसविंदर सिंह काला जो कि पिंड खिजराबाद तो ने, उन्हां दे भी असीं पुछ लैंदे विचार। कंग साहब ने जो अज फैसला लिया है, जो उन्होंने टिकट नहीं दित्ती गई, तुहाडा की कहना है? देखो जी, जी कांग्रेस साहब को टिकट कट्टी है ना, ये कांग्रेस पार्टी की बहुत माड़ी किस्मत है। हल्का करन च कांग्रेस पार्टी ने जूंदा रखिया, कांग्रेस ने जमाया पैदा करया। ये जगमोहन सिंह कांग की देन है। कांग्रेस इत्थे कोई जिंदा है नहीं जी, जगमोहन सिंह कांग ही कांग्रेस आ। असीं सिर्फ जगमोहन सिंह कांग दे नाल आ, जबकि कांग्रेस पार्टी नाल नहीं है। क्योंकि जगमोहन सिंह कांग तां कांग्रेस पार्टी है। जो सीएम चन्नी ने रेत माफिया नाल मिल के कांग की टिकट कटाई है, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा गलत करिया ते पंजाब दे विच कांग्रेस नूं खत्म करन दे विच चन्नी दा सब तो बड़ा हत्थ है। असीं कांग साहब नूं यही अपील करांगे भी आजाद इलैक्शन नहीं लड़नी असीं, क्योंकि असीं सिर्फ कांग्रेस दे लीडरां नूं घसाउणा है ते जिहड़ी पार्टी दा समर्थन करदे। कांग साहब जो कहोगे सानूं हुकम ओहदा सिर मत। साडे नाल अवतार पापड़ा जी भी मौजूद ने, जो कि शुरू तो ही कांग साहब दे नाल समर्थक रहे ने। किद्दां देखदे हो जो अज टिकट कट्टी गई है? जी 1992 तो पहला एक अकाली दल की सीट होया करती थी, मरंडा हल्का होया करता था। उस तो बाद 92 से जगमोहन सिंह कांग नूं टिकट मिली है। तो 1992 तो जगमोहन सिंह कांग जितते भी आया, हारे भी है। तो असीं भी जगमोहन सिंह कांग जी का समर्थन करते हैं। जो भी इन्हों का मैसेज जिस तरह की होया चोण लड़न का, असीं इन्होंने नाल खड़े आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस समय साडे नाल सरपंच गुरिंदर सिंह जो कि लगातार कंग साहब नाल जुटे रहे। फेसबुक से भी देखा गया सी कि गुरिंदर सिंह हमेशा उन्होंने जित पक्की टिकट पक्की की भी गल्लां करते सी। अज टिकट कट्टी गई है, आजाद भी लड़ सकते या किसी पार्टी भी जा सकते। किद्दां देखदे हो टिकट कट्टी? देखो कंग साहब की कीती हुई जो इलाके की सेवा है पिछले 30 साल की, खास तौर पर साडे नगर खिजराबाद वास्ते उन्होंने जो काम किए है, उहदे तहत जो हाई कमांड ने खास तौर पर साडे मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने सिर्फ अपनी सीट नूं मुख रखते हुए, क्योंकि टिंकू जी का मरिंडा शहर नाल तल्लुकात रखते हैं, उन्होंने अपनी सीट नूं देखते हुए साडे खरड़ के समूह कांग्रेसी वर्करां नाल इन्होंने जो ये नाइंसाफी की है, उहदे वास्ते अज देखो तुसीं ठाठा मारदा इकट्ठ सारा कंग साहब दे नाल हां दा हां नारा मारन वास्ते है। असीं भी कंग साहब जिहड़ा फैसला देंगे उहदे ते असीं फुल चढ़ावांगे। साडे नाल गुरिंदर सिंह सरपंच पिंड खिजराबाद ते होर भी साडे नाल पतवंते सज्जण ने। साडे नाल सुखिंदर सिंह पिंड खिजराबाद ते भी लगातार पंच साहब दे सपोर्ट विच रहे ते पंच भी ने पिंड दे। किद्दां देखदे हो अज टिकट कट्टी गई? बहुत माड़ी गल होई है। सरदार जगमोहन सिंह कांग बहुत देर तो इलाके की सेवा करते आ रहे थे। असीं कांग साहब दे नाल आ, जो भी कांग साहब हुक्म लावणगे उहदे नाल चलांगे, मोढे नाल मोढा जोड़ांगे। ये तुसीं देख सकदे हो इत्थे बहुत सारे वर्कर इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने अलग अलग विचार ने ते कंग साहब की सपोर्ट विच तुसीं देख सकते हो इत्थे बहुत ज़्यादा वर्कर इकट्ठे हुए हैं। कंग साहब की टिकट कट्टण नाल शायद इसका रंजीत गिल अकाली दल नूं भी फायदा हो सकता है, वर्करां दा भी कहना है। सुधार कानून का हो जाएगा। मैं फिर बेनती करना चाहूंगा कि थोड़ी ऐसा कठिनाई करो। इतने होर भी बीबियां पहुंची हो सीएनएन वाली गलबात करने के बाद हाँ जी आज इतने पहुंचे हो बीकर पहुंचे हो आज कांग साहब वास्ते पहुंचे हैं जी। कांग साहब ने बनाना चाहते सानू कांग साहब ने साडा बहुत सुधार किया जी। सारा हल्का जो कहेगा ये काम साहब तो आजाद उम्मीदवार से इलेक्शन लड़ेंगे तभी अभी सारा हल्का काम साहब के नाल नहीं कर पाए। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू। जेड़ा हल्का है जेड़ा हल्का खरड़ है यह जगमूर सिंह करके है। जगमूर सिंह करके जगमूर सिंह तंग है तो हल्का खरड़ है। सोचने वाली एम सी कॉलेज के चेयरमैन साहब रविंद्र सिंह की बरियाला जी को बेनती करूंगा 2 मिनट आगे। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता तो तुम भी उताप लियो कंग साहब तो सुन दूँ बस। मैं विच नहीं आना, मैं चाहना छेती तो छेती कंग साहब हुक्म कर मैं बेनती करूँगा 1 मिनट वास्ते हूँ। मैं बेनती करूंगा अगे लिया तार नहीं है। मैं हूँ बेनती करूंगा साडे जिला प्रधान जसवीर भोला जी वो 1 मिनट वास्ते, उस तो बाद साडे सुखी मास्टर चेयरमैन वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी खरड़ उन्होंने बेनती करूंगा 1 मिनट वास्ते तैयार पहला भोला जी। प्रिंसीपल साहब बहुत ही सत्कारयोग साबका मंत्री पंजाब सरदार जगमूर सिंह काकी जी बनी काकी जी ते होर पूरे खरड़ हलके तो आई होए सारे ही अहुदेदार पंच सरपंच चेयरमैन ब्लाक समिति मैंबर ते म्यूनसिपल कौंसल के प्रधान कराली के जीती जी ते सारे ही अज रात का जो सानू पता लग्या कि टिकट कंग साहब की कट के किसी होर अनाड़ी बाहरले बंदे नू दे दी है क्योंकि आप सारियां नू पता है कि पूरे 5 साल हो गए कंग साहब नू इस हलके की दोबारा फिर मेहनत करके सेवा करदिआं नू बड़े बड़े काम इन्होंने कराए आप सारियां ने देखिआ पर हाई कमांड ने क्यों ਇਹੋ ਜਿਹੇ मेहनती तो ईमानदार इंसान लीडर ਨੂੰ क्यों ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਲੇ ਕੀਤਾ है। ये बहुत बड़ी दुखदाई की गल है क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कदे आपां यह आस नहीं रखते सीगे कि पार्टी का एक अनुशासन है। कांग्रेस पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, कदे भी अपने किसी वर्कर नाल जां बड़े लीडर नाल इदां दा रसूख नहीं कर सकती, पर यह करके कांग्रेस पार्टी ने यह दर्शाता कि कांग्रेस पार्टी के विच बड़े गदार लीडर पैदा हो गए जिहड़े कि किसी की मेहनत नूं जां उन्हां दी कमाई है जो सारी उम्र दी उन्होंने इदां ठोकर मारते हैं। सो आप सारे ने अज साबित कर दिता है कि असी सारा हलका कंग साहब के नाल है। असी जिन्ने भी खरड़ तो भी पहुँचे हैं, ब्लाक माजरी तो भी पहुँचे हैं, सारे कंग साहब के नाल है।